सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एश कैचम के एक ऐसे पोकेमोन के बारे में जो कि एश का सबसे पावरफुल पोकेमोन बन सकता था, एश के लिए सबसे फायदेमंद पोकेमोन बन सकता था, लेकिन एश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको इवॉल्व नहीं किया, उसको ट्रेन नहीं किया। एंड वो पोकेमोन कौन है आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अपने एश भैया ने काफ़ी सारे रीजन ट्रैवल किए हैं जहाँ पे उसने अलग अलग टाइप के पोकेमोन को पकड़ा है, चाहे वो ग्रास हो, फायर हो, किसी भी टाइप के पोकेमोन हो, एश ने ज़्यादातर सारे टाइप के पोकेमोन को कैच किया है। एंड टाइपिंग ही प्ले करती है एक पोकेमोन के लिए। एंड एश के पास एक ऐसे कमाल का पोकेमोन है जिसकी टाइपिंग वन ऑफ द बेस्ट टाइपिंग है, एंड वो टाइपिंग है वाटर एंड ग्राउंड, क्योंकि इस टाइप के पोकेमोन की सिर्फ एक वीकनेस है जो कि है ग्रास टाइप। बाकी सारे पोकेमोन से ये टाइप काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल रहता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है किसी पोकेमोन ट्रेनर के पास इस टाइप का पोकेमोन होना। एंड अपने एश के पास भी ऐसा एक पोकेमोन है जिसका नाम है पालपिटोर, जिसको एश ने कैच किया था यूनोवा के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली एश ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड इसको काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ पोकेमोन बना दिया, इसके साथ काफ़ी गलत डिसीजन लिए एंड मतलब इसको रुइन ही कर दिया। लेकिन अगर एश अपना इस पर फोकस करता, इसको इवॉल्व करता सेस्मिटोर के अंदर, तो एश के पास एक काफ़ी कमाल का पावर हाउस पोकेमोन आ जाता, क्योंकि सेस्मिटोर के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड ग्रास टाइप पोकेमोन्स के लिए उसके पास है पोजन टाइप अटैक जो कि ग्रास टाइप पोकेमोन पे इफेक्टिव होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट अगर एश इसको अच्छे से यूज़ करेगा ना तो इस पोकेमोन की जीरो वीकनेसेस हैं। लेकिन एश ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड यूनोवा के बाकी पोकेमोन्स के ऊपर ध्यान दिया एंड इसको इवॉल्व करना भी सही नहीं समझा। वेल, ये पोकेमोन इवॉल्व होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बैडएस एंड पावरफुल हो जाता है। अगर आपने इस पोकेमोन को गेम में यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा ये पोकेमोन हर मोड पे आपके लिए काफ़ी पावरफुल साबित रहता है एंड आपके काम भी आता है। तो अगर एश इसको ट्रेन करता एंड इवॉल्व करता तो सच में एश के पास एक काफ़ी कमाल का पावर हाउस बैडएस पोकेमोन आ जाता। सो वेल, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू आ गई हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।